नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 से 4 वैकेंसी के अपडेट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर वैकेंसी को कुछ नई अपडेट्स और UPPSC वीडियो को DB के रिलेटेड और इनफैक्ट UPPSC की वैकेंसी के अपडेट को लेकर सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी अपडेट दी जाती है, चाहे वो वैकेंसी की अपडेट हो, चाहे साथ ही साथ फ्री क्रैश कोर्स हो, वो सारी चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जाती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं इन सारी वैकेंसी के अपडेट पाने के लिए, साथ ही साथ फ्री क्रैश कोर्स का लाभ उठाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले वाले वो को, लोक सेवा आयोग कैलेंडर जो जारी हुआ है। दोस्तों इसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग को, ठीक है। उसके पहले देखिए इसमें सारी डिटेल डिस्कस कर, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दें, 65th BPSC का जो प्री एग्ज़ाम कराया गया 17 फरवरी को, उसकी आपकी आंसर की अपलोड कर दी गई है। साथ ही साथ लिंक भी आपको दे दिया गया है जो प्री एग्ज़ाम का जो आपत्ति करने का है वो कर सकते हैं आप। यहाँ से मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से थोड़ा सा दिखा देता हूँ दोस्तों। इस लिंक के देखिए bpsc.bis.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके BPSC का, ठीक है। यहाँ से देखिए ये दोनों लिंक देख सकते हैं, 20 तारीख की डेट में दोनों चीज़ वो किया गया है। देखिए ये जो सेकेंड वाला है, इन्विलेशन ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ आंसर की 65th कंबाइंड प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव री एग्जाम जो 17 तारीख को कराया गया, मतलब पटना में ही इसका पूरा सेंटर था, तो इनका करवाया गया है। तो इनकी ऑब्जेक्शन आप वो कर सकते हो, 27 तक इसका डेट है पूरा, और आगे की डिटेल्स इसमें डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स ये जो ऊपर वाला है ये BPSC कैलेंडर का है 2020-21, और उसको हमने डाउनलोड किया है। अब उसके बारे में पूरी डिटेल आपको देते हैं दोस्तों, बारी बारी से पूरी डिटेल्स को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 64 जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, मुख्य परीक्षा के फल परीक्षा फल प्रकाशन का संभावित माह जो है अप्रैल 2020 में, अंतर विषय जो DV वगैरह या इंटरव्यू वगैरह होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, वो मई 2020 से चालू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 65th BPSC जो ऑलरेडी सब कुछ दे चुके हैं, PET का जो परीक्षा फल संभावित माह है वो है आपका मार्च के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, आयोग की होली से पहले आ जाएगा ये। और मुख्य परीक्षा का संभावित माह जो मुख्य परीक्षा कराई जाएगी आपको जून में हो सकती है, और इसका जो रिजल्ट हो सकता है मुख्य परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट हो सकता है वो अक्टूबर में, और अंतर विच्छा आपके ये सब आपके दिसंबर 2020 में। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाती है, जिस भाई बहन का किसी वजह से 65th BPSC में कम नंबर बन रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो इनके लिए एक सुनहरा मौका है, वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो देखिए इसमें 66th BPSC का, इसमें देखिए विज्ञापन का डेट तो माह तो नहीं दे रखा है, लेकिन PET का संभावित तो वो दे रखा है कि जून का अंतिम सप्ताह या फिर ये जुलाई के पहले वीक में जाए। देखिए परीक्षा का है, आपके डेट का नहीं है, इसमें कंफ्यूजन मत होइए। नेक्स्ट आपका 61 बिहार न्यायिक सेवा का, तो ये मार्च 2020 में इसका 2020 प्रथम सप्ताह में इसका विज्ञापन आएगा। अगला इंपॉर्टेंट जो आपकी वैकेंसी है, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा, तो देखिए इसमें नोटिफिकेशन का तो कुछ दिया नहीं है, बट PET का जो एग्जाम होगा वो मई 2020 के सेकेंड वीक में एक्सपेक्टेड किया गया, ठीक है। आगे डिटेल्स ये दे सकते हैं, अगर हमारे ग्रुप को आप नहीं ज्वाइन किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो PCS सभी स्टेट के PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये सब सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी सबसे पहले मिलती ही रहती है, साथ ही लिंक की सारी चीज़। अब आगे की वैकेंसी की अपडेट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका UPPSC 2019 अभ्यर्थी अब कोर्ट की शरण में। देखिए कई सारे प्लान बन चुके हैं अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग जो हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, कई सारी डिटेल्स हैं, मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। आई होप आप सभी को पता भी चल गया होगा नोटिफिकेशन के थ्रू। दोस्तों हम सीधे सीधे आपको पॉइंट पे लेके जा सकते हैं, जा रहे हैं। देखिए पहली बार ये ऐसा हो किया जा रहा है, लाइक एज UPSC को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको अभी भी करना बाकी रह गया। प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से संबंधित अंतर उत्तर कुंजी प्राप्तांक तथा श्रेणीवार पद कट ऑफ अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया, तत्समय इस आयोग की सूचना समाज पर प्रथम प्रसारित की जाएगी, अतः इस संबंध में सूचना का अधिकार मतलब RTI भी आप इसके लिए नहीं डाल सकते। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने प्रीलिम्स एग्जाम के पहले ही बोला गया था 13 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जिसमें भी 400-500 से ज़्यादा बच्चे कम पढ़े हैं, नियर अबाउट आपको 6300 मतलब पूरा रिजल्ट शो किया गया है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि देखिए जिन भाई बहन का 4-5 नंबर 3-4 नंबर से रुकता था, वो आपकी जो आपकी आपको ऑलरेडी पता है कि 6 से 7 क्वेश्चन हर बार UPPSC गलत पूछता है, उसके बाद क्लेम किया जाता है तो उनके नंबर बढ़ते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी तो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, इनको दोबारा नहीं मौका मिलेगा। फ्रेंड्स एक बार ये चीज़ें हो चुकी है, जब
यूपीपीसीएस ये आंसर की और ये रैंक वगैरह ये सब लिस्ट वगैरह अंक वगैरह जारी नहीं करता था प्री के बाद। तो 2014 में ये मामला हुआ था जिसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये इनको करना पड़े था। तो उसी आशान्वित होकर छात्र अभी कोर्ट जाने के शरण में है, ठीक है। तो शायद जल्दी ही इस बात को न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता चल जाएगा, हमारे वीडियो के थ्रू पता चलेगा। अगली वैकेंसी की अपडेट को देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगली वैकेंसी की अपडेट जो है वो आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए है। मैं बता दूँ आपको कि एक दो दिन पहले मैंने एक दो बच्चों को भेजा था, तो वहाँ पर उनको एक ये भी यही सिर्फ सिर्फ बताया जा रहा है कि देखिए जिस दिन आप लोग का धरना हुआ था उसी दिन जो चीज चस्पा की गई थी सेम उसी के थ्रू सारे प्रोसेस किए जाएंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहां के विभाग के द्वारा बताया गया ये सब सारी चीजें, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें एक्सपेक्टेड चीज़ें की गई है, इनफैक्ट मार्च लास्ट तक आपके ज्वाइनिंग की प्रोसेस मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस करवा दी जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप लोग फ़ोन कॉल करके लोगों को परेशान मत करिए, ठीक है। तो ये है वहाँ से जो डिटेल्स मिली, कुछ एक्स्ट्रा अपडेट नहीं है। कई सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर करके पूछ रहे थे, तो मैंने इन वैकेंसियों के साथ में इसकी भी अपडेट आपको दी है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, प्रथम सप्ताह से आपका ऑनलाइन विकल्प चॉइस फिलिंग जो प्रोसेस हो है वो शुरू हो जाएगी। और इनफैक्ट अब गवर्नमेंट के साथ साथ डिपार्टमेंट भी दबाव में है कि उनको ये वैकेंसी किसी भी सूरत में करवानी ही करवानी है। आप सब जानते हैं कि कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका कर्मचारी यूनियन की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका जल्दी ही करवाया जाएगा, होप कि ये मार्च लास्ट तक आपकी कंप्लीट कर दी जाए। दोस्तों देखिए यूपी ट्रिपल सी वीडियो डीबी के अपडेट के बारे में एक चीज़ बता दूं कि देखिए आपका फरवरी में आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं होने वाला है। देखिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि यूपी ट्रिपल सी के जो चेयरमैन थे, सचिव थे, वो अवकाश थे, अब वो अवकाश से लौटे हैं। तो ये पूरी जो अपडेट है वो सारी चीज़ मुझे लगता है कि मार्च में आपकी प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से करवाई जाएगी। और इनफैक्ट ये भी सूचना मिली कि 2 मार्च को शायद कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा मैसेज आ रहा है कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, हमें सपोर्ट करें। एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं ये लोग, मतलब पूरे अभ्यर्थी मिलकर, कि यूपी ट्रिपल सी की जो है पहले तो कैलेंडर जारी करता है, कैलेंडर के सिवाय कुछ भी नहीं होता है इसका। एक एक महीना एक एक 1.5 महीने का अपडेट, मतलब ये सब सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। और अभी तक डीवी नहीं करवाया गया इन सब चीज़ों के लिए, फिर से एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो सकता है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन है और इस चीज़ की भनक इनफैक्ट यूपी ट्रिपल सी को भी है। तो मार्च में आपकी ये सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ी से प्रक्रिया चलेगी, तो मार्च में ये सारी चीज़ें करवाई जा सकती है। तो ये थे फ्रेंड्स पूरी वैकेंसी की अपडेट। वीडियो के लास्ट में 2 आपको वीडियो मिलेंगे जो हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू चलाए जा रहे हैं, चाहे वो आपके UPPSC 2020 हो, चाहे रेलवे NTPC हो, इन सब के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।